वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप फॉर द प्रपोज डे। इसके पहले मैंने आपसे शेयर किया था मेकअप रोज डे के लिए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि प्रपोज डे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। पर मेकअप स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन, जो जिससे कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने बालों को ड्राई कर लूँगी। उसके सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना होगा। और मैं मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टार मॉइस्चराइजर। पहले आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है अपने पूरे फेस पे, अपने नेक पे। और ये वाला जो मेकअप है ये बहुत इजी है, आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके ये मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है आप सेम वही प्रोडक्ट यूज़ करें। आप अपनी पसंद का, जो आपको पसंद हो या फिर जो आपके स्किन टोन के साथ सूट करता हो और जो आपको बजट में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ बजट नहीं होगा, सब बजट फ्रेंडली ही होंगे। तो ये हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो मॉइस्चराइजर है, ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं चलती हूँ प्राइमर की तरफ, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। ये बिल्कुल व्हाइट कलर का जेल फॉर्म में आता है, और जब भी आप कोई प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई करें तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए 1 से 2 मिनट का वेट करें। वैसे ये जो एलोवेरा जेल है गुड वाइब्स का, ये थोड़ा सा थिक होता है नॉर्मल एलोवेरा जेल से, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा एब्जॉर्ब होने के लिए। तो इसको आप इसको अच्छे से अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दें, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और आपके फेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ करेगा, जिससे जो आपका फाउंडेशन या जो बीबी क्रीम आप अप्लाई करेंगे वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्राइमर है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करने के लिए। तो इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटोफोकस फाउंडेशन। ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप उनकी इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उनका जो डिटेल है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने इनका शेड एंड प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहाँ से प्लीज़ चेक कर सकते हैं। इस फाउंडेशन के साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलता है, जो आपको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसमें कई सारे शेड अवेलेबल हैं। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। ये मैंने nykaa.com से लिया है, बट ये nykaa के साथ साथ purple.com, मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, और nykaa पे अक्सर ही हमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। एंड मैं आज अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए रियल टेक्निक के ब्रश का हेल्प ले रही हूँ। तो चलिए हम अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे 9 to 5 का कॉम्पैक्ट। तो चलिए अपने फाउंडेशन को सेट करते हैं।
अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इस स्क्रीन पे एक स्मॉल आई का बटन दिख रहा होगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरे पूरे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, तो आप वन बाय वन करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके लिए मेरे वीडियोस थोड़े भी यूज़फुल हो रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बिग लाइक दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे और लेटेस्ट वीडियोस लाती रहूं। तो ये देखिए हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से। इसके बाद मैं मूव ऑन करूंगी अपने आईब्रोज की तरफ, और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमे की आईब्रो पेंसिल, और मैंने जो शेड लिया है वो ब्लैक है। तो चलिए अपने आईब्रोज को सेट करती हूँ। नेक्स्ट मैं उसके बाद मैं ये आईब्रो ब्रश लेकर के अपने आईब्रोज पे अच्छे से एक बार कॉम्ब कर लूंगी। तो ये देखिए हमारा जो आईब्रो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं मूव ऑन करती हूँ अपने आई मेकअप की तरफ, और आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा कंसीलर अपने आईब्रोज पे लगा आईब्रो के नीचे लगा लूँगी क्रीज एरिया पे, जिससे कि मेरा जो आई शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड हो, एक अच्छा सा आई शेडो बेस का काम करेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंसीलर लेकर अगर आपके पास एक्स्ट्रा आई शेडो प्राइमर नहीं है या फिर आई शेडो बेस नहीं है तो आप कंसीलर की हेल्प से ही अच्छे से आई बेस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कंसीलर है ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब जो कंसीलर है फ्रेंड्स वो कुछ टाइम के बाद क्रैक होने लगता है, उसमें ड्राई पैचेस पड़ने लगते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं वापस से लैकमे 925 का कॉम्पैक्ट लेकर अपना जो आई शेडो बेस है उसको सेट कर लूंगी। तो अब ये जो कंसीलर है ये बिल्कुल सील हो चुका है, अब ये बिल्कुल अपने प्लेस पे एज इट इज रहेगा नेक्स्ट 7 to 8 hours तक, और जो हमारा आई शेडो है वो बहुत इजिली ब्लेंड होगा, प्लस वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये जो हमारा आई बेस है कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं आई शेडो की तरफ। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन का स्मोकी आई पैलेट, और इसमें से मैं एक ब्राउन न्यूट्रल शेड लेकर अपने पूरे आई एक क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लूंगी। बाद में बहुत जल्द फ्रेंड्स आपके लिए एक वीडियो डालने वाली हूँ दैट हाउ टू अप्लाई आई शेडो, तो आप अगर बिगिनर्स हैं आपको आई शेडो अप्लाई करना नहीं आता है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखें, उस वीडियो को देखकर आप सीख पाएंगे कि आप खुद से बिना किसी हेल्प के आई शेडो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन शेड है ये अच्छे से अप्लाई हो गया है। इसके बाद मैं एक चॉकलेटी इस शिमरी शेड लेकर मैं क्रीज लाइन की तरफ लगा लूंगी। नेक्स्ट इसके बाद मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेकर आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी। अगेन आपको सेम वो सिमरी शेड लेकर के हल्का सा टचअप कर देना है।
ये बहुत ही खूबसूरत सा आई शेडो हो गया है हमारा। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आई लाइनर की तरफ। तो चलिए हम अपना आई लाइनर अप्लाई करते हैं। आईलाइनर मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स लॉरियल पेरिस का। और आज मैंने विंग्ड आईलाइनर क्रिएट किया है। ये जो हमारा आईलाइनर है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं मूव ऑन करूंगी काजल की तरफ। और काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्विके का ये ब्लैक काजल। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इस काजल को मैं अपने वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो फ्रेंड्स हमारा काजल अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मैं एक फ्लैट टिप का ब्रश लेकर ये जो सेम शिमरी शेड है इसको लेकर अपने लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो काजल है वो अच्छे से अप्लाई। इसके बाद मैं मूव ऑन करती हूँ मस्कारा की तरफ। और मैं मस्कारे के लिए यूज़ कर रही हूँ मेगा प्रोटीन का मस्कारा जो कि वेट एंड वाइल्ड का है। तो अगर फ्रेंड्स आप अपने आईज पे एक्स्ट्रा ड्रामा के लिए फेक आई लैसेस यूज करना चाहते हैं तो आप इस लुक के साथ डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। वो आपके आई लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। इसके साथ हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद मैं चलती हूँ ब्लश की तरफ। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश। और ये जो मेरा कलर है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मेकअप रिवॉल्यूशन का ये वाला स्ट्रोब हाइलाइटर। तो इसके साथ हमारा जो पूरा फेस मेकअप इंक्लूडिंग आई लुक मेकअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपना जो लिप बाम है इसके ऊपर अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लैकमे एनरिच की लिपस्टिक। तो मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि जब भी आप मेकअप करना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ही आप अपने लिप बाम को अप्लाई कर लें। जब तक कि आपका पूरा मेकअप कंप्लीट होगा आपके जो लिप्स हैं वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिप बाम यूज कर लिया था। अब मैं चलती हूँ लिपस्टिक के लिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल था प्रपोज डे को लेकर वो कंप्लीट होता है। आई होप ये लुक आपको पसंद आया होगा एंड ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो इसको बिग थम्स अप दें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अब मैं मूव ऑन करती हूँ आज के हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स आज का जो हैक है वो ये है कि अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है और अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं और वो हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के बाद जो आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाता है, वापस आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए हैक लेकर आई हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मॉइस्चराइज़र में ऐड करना है बेबी ऑयल। तो जब भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें उसमें थोड़ा सा बेबी ऑयल को मिक्स करके आप अपने मॉइस्चराइज़र को बॉडी लोशन को अप्लाई करें।
तो ये आपका जो मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपके स्किन को काफ़ी लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखेगा। प्लस आपको बार बार मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन को रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ ही मैं आपको बाय बोलती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देन स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल, बाय बाय।